हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग आए हैं अभी। एरिया का नाम बताओ ना। एरिया का नाम क्या है वल्लभ जी? अतर। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, इनको यहाँ का नॉलेज है एक्चुअली। हमारा गाइड है बलराज जी। बताइए आप यहाँ के एरिया का नाम एंड मंदिर का नाम बताइए आप। उसको बोलता है अंतरगंगे, उसका नाम है अंतरगंगे। उस भगवान का नाम है सोत काशीनाथ। ओके हाँ ओके। तो एरिया का नाम है अंतरगंगे और जो ये टेम्पल है साउथ मंदिर है। काशी विश्वनाथ। हाँ, काशी विश्वनाथ साउथ का मंदिर है, बेंगलोर में जो पड़ता है। यहाँ से चलते हैं आपको टेंपल की तरफ ले चलते हैं, ठीक है? चलते हैं आप, फिर हम लोग। वाटरफॉल है ना इधर, वो देखिए। अच्छा, वाटरफॉल भी है। अच्छा, चलते हैं वाटरफॉल की तरफ, आप लोगों से रूबरू करवाते हैं वाटरफॉल को। तो यहाँ पे एक्चुअली छोटा सा वाटरफॉल है, तो हम दिखाते हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट रास्ता है, तो हमें बच के जाना होगा। तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे, देन यहाँ आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ऊपर भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पहाड़ों से पानी। OMG, कितना ठंडा पानी है ये। ये देखिए, करता हूँ सर, झूठ बोला या सही? आ जाइए आ जाइए, आपकी संभाल के आइए। ये हमारे नीतीश सर चेक करने जा रहे हैं कि पानी ठंडा है नहीं। ठंडा था ही, आप भी जाओ। तो देख सकते हैं, जैसा कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है, तो आप लोग आइए तो इधर विजिट ज़रूर करिए। हम ऊपर जा सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्की है। आगे चलते हैं, देखते हैं और दिखाना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। आप अगर देखेंगे तो गौर से, तो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, आप ऊपर जा सकते हैं एंड ऊपर बैठ भी सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा पहाड़ है, पत्थरों से बनाया हुआ है और काफ़ी डेंजर है। आप देख सकते हैं वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, एंड ये डेंजर जोन है एक्चुअली। हमें तो काफ़ी डर लग रहा है, वो लोग पता नहीं कैसे बैठे हुए हैं। तो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं पहाड़ के, जो हमें तो आराम से जाके यहाँ पे बैठ जाए कुछ टाइम के लिए। तो हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस, ये बहुत अच्छा जगह है, हम लोगों को बहुत तो ये देखिए आप, आपके हनुमान जी जिसको वानर सेना बोलते हैं, ये वानर सेना यहाँ बैठी हुई है, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए, ये तो ये कलाकारी दिखा रहे हैं हम लोगों को। ये देखिए, तो हमें लग रहा है ये बोल रहे चले जाओ, हो गया काम नाम आपको डिस्टर्ब कर देंगे, आपको डिस्टर्ब तो कर ही देंगे। आप देख रहे हैं, तो हम चलते हैं पहाड़ों के तरफ से, डायरेक्ट पानी आ रहा है, बहता हुआ पानी, लाइक लुक लाइक नदी जैसा। तो वो दिखाने चल रहे हैं आपको। हम लोग वहाँ से क्रॉस करने में बहुत मुसीबत होती है, क्योंकि कुछ है नहीं संभालने वाला, मतलब अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आप सीधा पानी में गिरोगे, पत्थर भी है, चोट भी लग सकती है आपको। तो आप देख सकते हो, लेकिन लुक अच्छा है, लुक अच्छा है। अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, ये देखिए पीछे का नज़ारा। तो हम लोग आपको वहाँ पे ले के चलते हैं, देखते हैं कैसे जाना है सर। हाँ सर, देख चलिए, स्ट्रगल करते हैं थोड़ा, स्ट्रगल तो करना है सर ऊपर चढ़ने में। तो ओके सर, आराम से, इजी। ओके, नो प्रॉब्लम सर, पानी में चले गए हैं इसके लिए हम वहाँ आए हैं। तो हम लोग सर, अब किधर से भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। तो ये हमारे नितीश भाई, देख सकते हैं आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं चढ़ने में। ये देखो, आप लीजिए, सुमन भाई कैमरा ऑन डाल कर लिए। आप देख सकते हैं, नितीश भाई अगर साथ ना होते तो हम शायद गिर सकते थे। तो ये देखिए, वाह, ये देखिए, OMG सर, आराम से संभाल के, बहुत स्लिप हो रहा है पैर। तो सुमन भाई कैमरा पकड़िए और मुझे दिखाइए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इतना लोकेशन है, तो ये डायरेक्ट पहाड़ों से आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा संभाल के जाना चाहूँगा, क्योंकि हाँ
तो आप लोग देख सकते हैं कितनी एक पानी काफ़ी ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब एक पानी काफ़ी ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है पानी पहाड़ों से। तो चलते हैं, तो अभी आपको अगले लोकेशन पे लेके चलते हैं, यहाँ पे आपने एंजॉय कर लिया तो अगले लोकेशन पे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ा पहाड़ है, तो सर हम लोग क्या ऊपर जाने की कोशिश करें? जी सर, हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, चलते हैं देखते हैं ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो काफी कष्ट होंगे सर, आ जाइए। तो काफी बड़ा चढ़ाव है ये और हमारे ऑडियंस को कि कितने अच्छे पहाड़ है, एंड आइए और देखिए, बहुत सुकून मिलेगा जीवन का। तो बहुत बहुत काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव है तो बहुत मुश्किल होगा पहाड़ों पर चढ़ना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत मुश्किल है। हमारे कैमरामैन भैया जी, कैमरामैन भाई साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देख लीजिए, आप लोग जैसा देख सकते हैं, ये देख लीजिए काफी, ये दिखाइए ड्राइंग वाला। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फाइनली हम लोग पहाड़ के चोटी पे पहुंच चुके हैं। यस, यहां पे बैठने का थोड़ा हां लेते हैं, थक गए थक गए। और यहां से आपको दिखा देते हैं मंदिर का सीन कितना ई सेक्शन। ये देखिए पहाड़ एंड मंदिर का सीन देखिए, ये देखिए कितने प्यारे, ये देखिए लगा। तो हम लोग चलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लोकेशन पे लेकर। ओके, तो फाइनली बहुत थक गए हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है सर, बट हमें जाना पड़ेगा। ये दो मिनट वेट कर लेते हैं, बड़ा लेट मिलेगा, सांस अच्छे चलने लगेंगे, फिर चलेंगे क्योंकि सांस बहुत खुलने लगा, ऊपर चढ़ते वक्त होता ही है अमूमन सबको। तो चलते हैं नीचे, चलते हैं फिर। हाँ ओके सर, बोलिए। तो फाइनली हम लोग मंदिर के गेट पे पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ड्यूलिंग। तो ये देख लीजिए मंकी है, तो हम लोगों को कुछ करते नहीं है और हमारे यहाँ के मंकी तो काट खाए। देख लीजिए अगर इतने बगल से आप गुजर बगल से आप गुजर रहे हैं हो गया, तो ये देख रहे हैं कुछ हम लाए नहीं यार, हमने आप मिस कर दिए ब्रो। लोग आप मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले बताया है कि ये चढ़ाव पे मंदिर है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, काफ़ी ऊपर है, चलते हैं देखते हैं। सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, काफ़ी ऊंचा है, हमें भी चल के भी लग रहा है पार्ट पार्ट हो चुका है यार। हाँ चल लेंगे धीरे धीरे, हाँ बहुत ज़्यादा दूर है यार। हमने एक्चुअली इसमें चलते गए क्योंकि वो पहाड़ चढ़े थे, इधर आना पड़ा। हाँ फिर ये लग रहा है अभी भी 5 मिनट लग जाएगा। टाइम मिल रहा है तो आइए जरूर, काफ़ी सारे मज़े मिलेंगे आपको, ज़िंदगी का आनंद मिलेंगे। हाँ हम भी घूम रहे हैं कहीं, मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और ये देख ले मंदिर में काफ़ी सारे भीड़ है। इधर लाइन आपको सर दिखा देते हैं, सर लाइन दिखा दीजिए कितना लाइन है आपको पूजा करना, अगर मुझे को पूजा करना है तो इसमें लाइन होके आना पड़ेगा। इधर देख सकते हैं आप, उधर गुफा से भी आ सकते। तो सर आप टाइम बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि हमें अनदर लोकेशन पे भी जाना है, वहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं अगर अंदर नहीं जाएगा। हाँ आप देख सकते हैं, हम कैमरा में आपको काफ़ी अच्छे से दिखा पा रहे हैं शायद, ये देख लीजिए अंदर कितना गुफा टाइप का और चारों साइड में भगवान की मूर्ति बने हुए हैं। आप आइए दर्शन कीजिए सर, ले लीजिए ये देख लीजिए, काफ़ी यहाँ पे लगभग 9 मूर्ति है सर जो प्रणाम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग ये नज़ारा, ये मंदिर नीचे नीचे तालाब है, मतलब पानी है चारों साइड पानी, बीच में मंदिर है, एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और ये देखिए बिजी है, अपने बिजी फूल खा रहे हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। गाइस देख रहे हैं हमें मंदिर सब बाहर निकल रहे हैं, हमारे दर्शन हो गए हैं हम लोगों को।